नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल खरगोन की घटना पर दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट पर प्रदेश अध्यक्ष पी डी शर्मा ने कहा कि प्रदेश का वातावरण कैसे बिगाड़ सकता है, और उस ट्वीट के तत्काल बाद उसको डिलीट करना यह एक सोची समझी रणनीति है। प्रदेश बी डी शर्मा ने कहा कि यह केवल मात्र ट्वीट नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर देश के अंदर किस प्रकार से वातावरण को बिगाड़ा जाए यह दिग्विजय सिंह के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि अपने प्रदेश ही नहीं देश के अंदर शांति व्यवस्था को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इसमें दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से धार्मिक भावनाएं भड़काएं पाकिस्तान के पुल को मध्य प्रदेश का पुल बताते थे, इलाहाबाद की टूटी हुई सड़क सपा के शासनकाल की उसे मध्य प्रदेश की सड़क बताते थे। वहीं उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है मोहन चंद्र शर्मा की शहादत को फेक एनकाउंटर बोलकर आतंकवादियों के घर जाकर उनका सम्मान करते हैं, यह दिग्विजय सिंह ने जो प्रयास किए हैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर यह सहन नहीं होंगे। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया है। खरगोन की घटना पर दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना और एक ऐसा ट्वीट करना जिसके माध्यम से धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जा सकता है, प्रदेश का वातावरण कैसे बिगड़ सकता है, और उस ट्वीट के तत्काल बाद को उसको डिलीट करना, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये केवल एक मात्र ट्वीट नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर देश के अंदर किस प्रकार से वातावरण को बिगाड़ा जाए ये दिग्विजय सिंह के द्वारा जो प्रयास किए गए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि अपने प्रदेश ही नहीं देश के अंदर शांति व्यवस्था को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इसमें दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभा रहे हैं। मैं तो आज ये बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी ने दिग्विजय सिंह को क्यों आंदोलन का इंचार्ज बनाया, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने में पाकिस्तान के पुल को वो मध्य प्रदेश का पुल बताते थे, इलाहाबाद की सड़क टूटी हुई है जो सपा के शासनकाल ही उसकी मध्य प्रदेश की सड़क बताते थे। ये दिग्विजय सिंह का आज का नहीं बहुत पुराना चरित्र है कि जो व्यक्ति आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है कि मोहन चंद शर्मा की शहादत को फेक एनकाउंटर बोल करके आतंकवादियों के घर जा करके उनका सम्मान करते थे, वो दिग्विजय सिंह जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आतंकवादी को फांसी की सजा दी। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसकी तहत दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं। मैं तो इंटेलिजेंस देश के प्रदेश के सभी लोगों से इस बात के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह के इन सारी बातों के बारे में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के साथ दिग्विजय सिंह इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, यहाँ पर इस प्रकार के कोई अपराधी और गुंडिज्म नहीं चल सकता, लेकिन धार्मिक उन्माद फैला करके कैसे प्रदेश का वातावरण बिगाड़ा जाए ये दिग्विजय सिंह ने जो कुत्सित प्रयास किए हैं ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर ये सहन नहीं होंगे। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया है, और इसलिए मेरे से नहीं होता, पूरे समाज को बांटने के लिए जो इनका हमेशा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के जींस में ही फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों के जींस इनके खून में आज भी है। कैसे विभेद पैदा करना जिसके आधार पर समाज बटे और हम सत्ता में आते रहे, लेकिन समाज सजग है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मुद्दे पर ये देश इस प्रकार के लोगों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून जिन्होंने हाथ में लिया तो अब कानून उनको अपने हाथों में लेगा। इस प्रकार के कोई भी लोग जो हमारी बहन बेटी की तरफ अगर आंख उठाने का प्रयास करते हैं, जो कानून हाथ में लेकर के किसी भी ऐसे लोग जो सामान्य लोग हैं किन्हीं के भी घर जला देंगे, ये अपराध मध्य प्रदेश के अंदर जो गुंडिज्म करने का प्रयास किया है, चाहे खरगोन हो चाहे प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी ही, और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो प्रभोग कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सरकार करे, मैं आज इस बात की मांग करता हूं। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से काम करने वाले लोग आपको ध्यान में हैं,
कि सिमी के आतंकवादी मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से काम कर रहे थे। हमारी सरकार ने सिमी का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश के अंदर किया, और इसी प्रकार से आतंकी घटनाएं करने वाले लोग, इसी प्रकार के दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के संरक्षण और संवर्धन में इसी प्रकार के लोग काम करते हैं जिनका उल्लेख आपने किया। इस प्रकार की आतंकी घटनाएं, ये कोई सामान्य घटना है? एक साथ इतनी जगह पर आगजनी होना, एक साथ आक्रमण करना, ये योजनाबद्ध तरीके से कोई षड्यंत्र है? उस षड्यंत्र को भी सरकार अपना काम कर रही है, उसके पीछे भी जाएगी, लेकिन दिग्विजय सिंह किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तहत भारत के मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसका भी गंभीरता से इंटेलिजेंस को इस पर काम करने की जरूरत है। इस पूरी घटना पर दिग्विजय सिंह को इस प्रकार से आज जगह जगह पर उन्होंने जो किया है, और एक घटना नहीं है, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस प्रकार की झूठ छल कपट की राजनीति के साथ देश का और प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे, और आज भी लोगों ने इसको लेकर के कंप्लेंट किया। मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो इस समाज के अंदर विभेद और समाज को बांटना चाहते हैं, ये सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्या जांच करेंगे जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? वो क्या जांच करेंगे जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को इंचार्ज इसलिए बनाया कि धार्मिक आधार पर कैसे देश को बांटा जाए, प्रदेश को बांटा जाए? लेकिन मध्य प्रदेश सजगता के साथ एक एक नागरिक मध्य प्रदेश का इन प्रकार के झूठ छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जानता है। इस प्रकार के जो लोग कमेटी में आए हैं उनके चरित्र भी आप देख लो, वो कौन लोग हैं? तो ये कोई जाकर के जांच नहीं करेंगे, ये तो धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए, कैसे हम वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इस मात्र के लिए ये कमेटियां बनती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बेहतर तरीके से इनको पहचानता है, जानता है। सरकार अपना काम गंभीरता से करेगी, कानून जिनने हाथ में लिया है अब वो कानून के हाथ में होंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।